नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आजमगढ़ कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में जनपद शाखा आजमगढ़ द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया, जिसकी अध्यक्षता जनपद अध्यक्ष पीएन सिंह द्वारा किया गया एवं कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में प्रस्ताव पारित कर जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को प्रेषित किया गया। यह जुलूस रोडवेज परिषद से प्रारंभ होकर दीवानी कचहरी, सिविल लाइन, पुलिस लाइन एवं अग्रसेन चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट आजमगढ़ तक पहुंचकर समाप्त हुआ। पत्रकारों से बातचीत में जनपद अध्यक्ष पीएन सिंह ने बताया कि कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में पूर्व में किए गए अनेक कार्यों को ध्यानाकर्षण पत्रचार बैठक आदि के बावजूद भी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान संभव नहीं हो सका। मोर्चा द्वारा दिनांक 20 सितंबर 2021 से 30 सितंबर 2021 तक प्रदेश के मंत्रीगण, विधायक, विधान परिषद सदस्यों को ज्ञापन प्रस्तुत कर मुख्यमंत्री से सकारात्मक निर्णय लेने का निवेदन किए जाने के बाद भी कोई सार्थक निर्णय नहीं लिया गया। अतः मोर्चा द्वारा यह निर्णय लिया गया कि लंबित समस्याओं का समाधान समय रहते ही नहीं किया जाता, तो मोर्चा द्वारा लिए गए निर्णय क्रम में 9 दिसंबर 2021 से प्रदेश स्तरीय कार्य बंद किया जाएगा। किस चीज़ को लेकर आप आज मशाल जुलूस निकाले हैं? निकला है पूर्व में प्रेषित हमारा मांग पत्र था कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा का, जिस पर कई बार ध्यानाकर्षण किया गया, बैठकें की गई, उसके बाद भी जब कोई निराकरण नहीं हुआ तो कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश द्वारा 20 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक माननीय मुख्यमंत्री को विधायकगण के माध्यम से, विधान परिषद सदस्य के माध्यम से ज्ञापन पहुंचाया गया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व द्वारा ये निर्णय लिया गया कि 27 नवंबर को मशाल जुलूस निकाल कर हम अपना ज्ञापन, 12 सूत्री ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित करेंगे। उसी क्रम में आज का एक कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के तहत एक आम सभा ने यह भी निर्णय लिया है कि अगर 8 दिसंबर तक कोई समाधान नहीं निकलता है तो 9 दिसंबर से काम बंदी का भी काम किया जाएगा। उसमें स्वास्थ्य विभाग, रोडवेज, वन विभाग, पशुपालन, नगर पालिका, माध्यमिक शिक्षा संघ, तमाम जो राज्य की विभाग हैं सब इसमें भाग लेंगे। उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार और शासन की होगी। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हमारी हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल करें और सातवें वेतन की जो संस्तुतियाँ थी उसको लागू करें, उसमें वेतन विसंगत है उसको भी लागू करें जिससे हर विभाग के कर्मचारी को उसका लाभ मिले, और 2001 तक के जो संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हमारे हैं उनको नियमित करने की प्रमुख मांगे हैं। संविदा के साथी हमारे साथ हैं, आउटसोर्स के साथी हमारे साथ हैं, दैनिक वेतन भोगी हमारे साथ हैं, आउटसोर्स के साथी हमारे यहाँ तो 4-4, 5-5 हज़ार पे काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे लोग 5,000 रुपये किराए में खर्च करते हैं उन सबों का कैसे रोजी रोटी चल रहा है, ये बड़ी दुखद स्थिति है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे आम लोग कैसे जिंदा रहें, हमारी दाल रोटी चलती रहे, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो मजदूर हैं ये ऐसा उबाल करें कि आपकी सत्ता को भी पलट सकते हैं। ये मजदूरों का आवाज़ है, इसमें सत्ता भी पलट सकती है, इसमें कहीं और दो राय नहीं है। आप समझें कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे रोडवेज हो, चाहे वह स्थानीय निकाय हो या स्वास्थ्य, सब पे ठेके प्रथा पर काम किया जाए। जो ठेकेदार तो मालामाल हो रहा है लेकिन उसके अंदर काम करने वाला गरीब मजदूर बेचारे शोषण हो रहा जाता है। मैं समझता हूँ कि उसको जो